हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति। अपने चैनल श्री व्लॉग में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी बच्चों के लिए, जो कि झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए हम बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ये बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। मैं यहाँ क्या क्या ली हूँ ये आपको बताती हूँ। मैंने यहाँ लिया है 2 छोटा चम्मच तेल, स्वाद अनुसार नमक, 1 कटोरी मैदा, 2 ईपी रोल, 2 बड़े टमाटर, 2 प्याज, और मैंने आधा कटा हुआ नारियल, और 2-3 खड़ी लाल मिर्च लिया है, और मीठी नीम की पत्ती ली है मैंने। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही इजली से बन जाता है, तो चलिए हम इसे बनाते हैं। हम इसका मसाला तैयार करते हैं। मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी 3-4 सूखी लाल मिर्च, इसे हमें तेल में डाल देना है। उसके बाद जो हमने अदरक काटा हुआ था उसे हमें डाल देना है। उसके बाद मैं इसमें थोड़े करी पत्ते ऐड कर दूंगी। उसके बाद हमारे चॉप किए हुए ऑनियन को मैं डाल दूंगी इसमें, और चॉप किए हुए टमाटर को, और इसी में फाइनली चॉप किए हुए मेरे नारियल है। ये हमें इसको ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड, इसे हमें लो फ्लेम पे ही भूनना है, बस थोड़ा सा ब्राउन होते तक ही, हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। ये हम इसी तरीके से इसे ब्राउन होते तक हम इसे पका लेंगे। बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाती है फ्रेंड, और बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। अगर कुछ ना सूझे, अगर आपको झटपट बनाना हो, तो ये हमारा इसी रोल है, वेज इसी रोल, इसे आप ट्राई करके ज़रूर देखिए फ्रेंड लॉकडाउन में। और मैं खासकर लॉकडाउन में सॉस वगैरह कुछ दुकान अगर खुलती नहीं है तो हमें अवेलेबल नहीं होता है, तो मैं इसे घर में ही बनाना बता रही हूँ कि आप किस तरीके से यूपी वेज रोल बना सकते हैं। फ्रेंड अब इसमें हम नमक ऐड कर लेंगे। नमक आपको अपने स्वाद के अनुसार ही इसमें ऐड करना है। मैंने इसमें 1/2 चम्मच नमक ऐड किया है। उसके बाद मैं थोड़ा सा लाल पीसी मिर्च ऐड करूँगी, बच्चों के लिए है इसलिए मैं ज़्यादा इसमें मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। अब इसे चला लेना है, और ये देखिए ये काफ़ी ब्राउन तक हमने इसे सेक लिया है। अब हम इसे बंद करके ठंडा होने देंगे। ये फ्रेंड्स, हमारे मसाले ठंडे होने के लिए हम उसे रख देते हैं। तब तक हम अपना मैदे का डो तैयार कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ 1 कटोरी मैदा लिया हुआ है। अब मैं इसमें 2 चम्मच ऑयल ऐड कर दूंगी। ये हमें ऐसे इस तरीके से कर देना है, और इसमें हमें ऐड करना है स्वाद अनुसार नमक। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और हमें इसे इस तरीके से मिला लेना है। अब ये हमें अच्छे से इसे मिक्स कर देना है। हमें छोटी कटोरी में पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, और इसका डो तैयार करना है। इसे काफ़ी सॉफ्ट बनता है और बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाता है। अगर आपके पास मिल्क पाउडर हो तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, उसे भी इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा आता है। इसी तरह हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके ऐसे हमें एक डो तैयार कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे डो काफ़ी अच्छे से बन के यहाँ रेडी हो गया है। अब मैं इसे 2 मिनट के रेस्ट के लिए इसे छोड़ दूंगी। तब तक हम अपने मसाले को पीस लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे जार में निकालूंगी। हमें इसे निकाल के पीस लेना है अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे एक जार में ले लिया है। अब मैं इसे पीस लूँगी। मैं इसे पीसने से पहले मेरा कढ़ाई जो है वो खाली हो चुका है। अब मैं गैस को ओपन कर लूँगी, और ओपन करके
मैं इसमें पानी डाल लूँगी, जिससे कि मेरे पीसते तक मेरे पानी में उबाल आ जाए और मैंने जो इप्पी लिया है वो मेरा उबल जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे पीस लिए हैं और ये मेरे मसाले बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पीस गए हैं। हमें इसी तरह इसी कंसिस्टेंसी में इसे हमें पीस लेना है। ये ज़्यादा थिक नहीं रहना चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला, तो हमें इस तरीके से पीस लेना है। पानी में उबाल आ गया है फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये इप्पी के मसाले इसमें ऐड कर लूँगी। ये हमें इस तरीके से इसमें ऐड कर लेना है और कुछ भी डालने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मसाले को पहले से ही पीस लिया था। अब मैं इसमें ये इप्पी को डाल दूँगी, ये हमें ऐसे डाल देना है। देखिए हमें इसे अच्छे से सूखा होते तक हमें इसे पका लेना है। ये बहुत जल्द बन के तैयार हो जाता है फ्रेंड्स और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है ये, तो चलिए हम इसे पका लेते हैं। मेरे दो को 2 मिनट हो गए हैं, हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और ये मैदे के ऊपर, और हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरीके से हमें इसे मिक्स करना है। हमें इसे मिक्स करने के बाद हमें इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लेने हैं क्योंकि जितना पतला होगा उतना खाने में क्रिस्पी लगेगा। ये देखिए हमें इतने छोटे छोटे बॉल रेडी कर लेने हैं। हम ऐसे ही सारे को रेडी कर लेंगे। मैंने एक पेड़ा लेके मैदे में हमें थोड़ा सा डीप करना है, उसके बाद हमें इसे बनाना है। ये बहुत ही जल्द बन जाता है और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ये पतला बने, क्योंकि पतले में ही ये बहुत ही इसका टेस्ट आता है। छोटा बना देंगे तो इसे मज़ा नहीं आता, ज़्यादा मोटा अच्छा नहीं लगता इसमें, और पतला बनाने से काफ़ी क्रिस्पी लगता है और खाने में इसका टेस्ट आता है। ये बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है और हेल्दी भी होती है साथ में। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें इस तरीके से एकदम पतला बेल लेना है। ये मैंने यहाँ पतला से पतला यहाँ रेडी कर लिया है, इसे मैं अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट दिख रहे हैं क्योंकि हमें इसे पतले से पतला बेल लेना है। अब सेम प्रोसेस करना है, फिर हमें एक आटे को लेकर इसे अच्छे से बेल लेना है। जैसे मैंने पहले बेल के दिखाया वैसे आपको इसको बेल लेना है। ये देखिए हमें इस तरीके से, मैंने दूसरे भी ये रोटी को मैंने यहाँ बेल के रेडी कर लिया है मैदा का। ये देखिए ये कितने पतले हैं और ये बिल्कुल पाटे पे नहीं चिपकते हैं, ये आप देख सकते हैं। मैंने आपको शुरू से आखिरी तक इसे बेल के दिखाया है। देखिए फ्रेंड्स, और ये काफ़ी पतले हैं, तो चलिए अब हम इसे, मेरा तवा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें इसको डाल दूँगी और हमें एकदम लो फ्लेम पे ही इसे सेकना है। देखिए इसका जो कलर्स है वो चेंज हो रहा है। ये देखिए हमें ज़्यादा नहीं सेकना है इसे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड बबल्स पूरे आ गए हैं, अब मैं इसे पलट लूँगी और पलटने के बाद जो हमारा पेस्ट है हम इसके ऊपर लगा देंगे। जो मैंने पेस्ट बनाया था उसे हमें इसके ऊपर ऐसे फैला देना है। ये बहुत ही जल्दी बनता है और खाने में बहुत टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने इसे इसमें फैला लिया है। अगर आप चाहें तो इसमें हरी धनिया पत्ती ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। और मैंने जो इप्पी बनाया है उसे हम इसमें डाल देंगे, उसे भी डाल के हमें इसी तरीके से फैलाना है फ्रेंड्स। ये हम इसके एसिड मिला देंगे, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में इसका टेस्ट। और मैंने कुछ छोटे प्याज काट के रखे थे, मैं इसके ऊपर गार्निश कर लूँगी। और हमें एकदम अच्छे से इसे ऐसे मोड़ देना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको मोड़ के भी दिखा रही हूँ, मैं हाथ से कर रही हूँ लेकिन आप हाथ से बिल्कुल ना करें नहीं तो आपका हाथ जल सकता है। ये देखिए ये बहुत ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स।
और खासकर बच्चों के टिफिन के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इसे फॉइल पेपर में रैप करके अगर डाल लें टिफिन में तो ये हमें आधा एक घंटा के लिए बिल्कुल फ्रेश रहेगा। फ्रेंड्स, मैं इसे अपने बच्चों के लिए ट्राई करके देख चुकी हूँ, इसलिए अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इसे निकाल लेंगे, एक और डाल के दिखा रही हूँ आपको बना के। इसको भी हमें धीमी आंच में ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है हमें। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे पलट लेंगे और जस्ट हम इसे पलटने के बाद हम इसमें जो हमारा पेस्ट है हम इसे डाल के फैला देंगे इसमें। ये बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी नाश्ता है और ये 5 मिनट के अंदर बन के रेडी हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि लॉकडाउन में ये रेसिपी आपको कैसे लगी, और इसे बच्चों के टिफ़िन के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत ही बच्चों की पसंद की जो ये हमारी मैगी आती है वो इसका मैंने इसे एक नए रूप में वेज रोल के रूप में इसे आपको बना के दिखाया है। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स आप भी इसे बनाइए और अपने बच्चे को खिलाइए और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि ये आपको कैसा लगा। हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे रोल्स यहाँ बनकर रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहें, अगर आपके बच्चे ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसके ऊपर में ही चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑनियन डाल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आप भी झटपटी से बनाइए और कमेंट्स करके बताइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड, और बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड,